आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। लिस्ट वन और लिस्ट टू, यहाँ पे बोला गया है कि मैच करने के लिए जो भी यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया गया है, तो इसी हिसाब से देखते हैं कि लिस्ट वन में क्या गिवन है। तो लिस्ट वन में पहले दिया है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम लोग क्रिस्टी का बात करें तो क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्रिस्टी जो है वो पाया जाता है। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्रिस्टी जो है ये इनफोल्डिंग्स होते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे एनर्जी यानी एटीपी जो है वो बन के सामने आता है। और यहाँ पे जो भी काम होता है वो क्रिस्टी के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है या फिर रिलीज होता है वो चालू होता है। इसलिए हम लोग ए को यहाँ पे सी से मैच कर देंगे, जो कि इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया है। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे थाइलाकॉइड है, और थाइलाकॉइड ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या होता है कि गोल्गी वो बेसिकली स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। और स्ट्रोमा में इनका काम होता है कि क्लोरोफिल के साथ ये एसोसिएटेड रहते हैं, और जो भी फोटोसिंथेसिस का काम होता है वो ये लोग जारी रखते हैं इन द प्लांट, जिसके थ्रू फूड मेकिंग का जो काम है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता है। और साथ ही जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइट के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस होता है यानी फोटो सिस्टम वन या फिर फोटो सिस्टम टू, इनमें भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो है ये डिस्क शेप जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स होते हैं उसको फॉर्म करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी जो कि थाइलाकॉइड है वो हम लोग फोर से मैच करेंगे, जो कि फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स बोला गया है, और ये स्टोमाटा या फिर हम लोग कह सकते हैं स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली प्लांट्स में ही होते हैं। इसलिए हम लोग बी को यहाँ पे फोर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है जो कि यहाँ पे सेंट्रोमियर्स बोला गया है, और सेंट्रोमियर्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रोमियर्स ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम को विद द लेंथ। और सेंट्रोमियर्स यहाँ पे बीच में पाए जाते हैं, जो कि स्मॉल क्रोमोसोम्स कौन से होंगे या फिर स्मॉल आर्म्स कौन से होंगे, लार्ज आर्म्स कौन से होंगे, ये डिसाइड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ क्रोमोसोम हिसाब से जाने जाते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि क्रोमोसोम के आर्म्स जो है वो कितने लेंथ के होंगे। इसलिए सी को हम लोग वन से मैच कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी जो है ये बेसिकली गॉल्गी एपरेटस में पाए जाते हैं, और ये डिस्क शेप गॉल्गी एपरेटस होते हैं जो कि पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और ये पैकेजिंग के थ्रू क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो पैकेट होते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां पे ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर पैकेज होते हैं वो यही सिस्टर्नी के थ्रू होते हैं। तो इसीलिए जो करेक्ट फॉर्म ऑफ मैचिंग होगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि ए जो है वो यहाँ पे थ्री से मैच करेगा, बी जो है वो फोर से मैच करेगा, सी जो है वो वन से मैच करेगा, और डी जो है वो यहाँ पे टू से मैच कर लेगा। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो कि डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ मैचिंग जो है वो गिवन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।